तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां कोरोना संक्रमित महिला की लापता होने की मामला सामने आया है। रायपुर के फुढर स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती हुई थी कोरोना संक्रमित महिला। 10 अप्रैल को हुई है कोरोना संक्रमित महिला की लापता। 14 अप्रैल को हुई है परिजनों को लापता होने की जानकारी। परिजनों द्वारा रोज पूछते रहे कोरोना संक्रमित महिला की हालचाल, लेकिन अस्पताल कर्मचारी रोज झूठ बोलते रहे। यह प्रदेश में कोरोना संक्रमित लापता होने की पहला मामला सामने आया है। वहीं इसकी जानकारी कोरोना संक्रमित महिला के बेटे के द्वारा चीफ मेडिकल अफसर को दे दी गई है। वहीं कोरोना संक्रमित महिला की 9 तारीख को एडमिट किया गया, वहीं 10 अप्रैल को महिला को रेफर कर दिया गया है, लेकिन इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी गई। कोविड अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे से पता चला है कि कोरोना संक्रमित महिला को ले जाते हुए दिखे हैं। वहीं परिजनों द्वारा अम्बेडकर अस्पताल पर भी जाकर ढूंढा गया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। तो बड़ी खबर हम आपको बताए हैं रायपुर से, जहां भर्ती हुए कोरोना संक्रमित महिला की लापता होने की मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं अंजलि बरवाल जी। हाँ, क्यों आए हैं यहाँ पर, क्यों घूम रहे हैं आप? सर, मैं कोविड-19 का पेशेंट 9 तारीख को कुंडहर अस्पताल में एडमिट करी थी जी, रात में 9 तारीख को। उसमें 10 तारीख को भी गई थी, 11, 12, 13, 14 तक मेरे पेशेंट को बोले कि इस नंबर पे है, वहीं है, स्वस्थ है करके, और कोई प्रकार का मुझे ये जानकारी नहीं दिया गया कि पेशेंट आपका रिफर कर दिया गया। आज रात में जब और बात करी जो फर्स्ट डॉक्टर थे जिनसे, बोले आप ही एडमिट किए थे, कहाँ है मेरे पेशेंट, तब उन्होंने कहा कि आपके पेशेंट को 10 तारीख को रिफर कर दिया गया। शाम को 7 बजे डॉक्टर शशांक साहू और डॉक्टर साकेत और सृष्टि, ये तीनों उस समय थे जो जब डिस्चार्ज किया गया, यहाँ रिफ़र किया गया। रिफ़र के रजिस्टर में जब देखा गया मेरे द्वारा, तो वहाँ पे कोई विजय लक्ष्मी का नाम इंकित है, और जब फ़ोन लगाई तो निर्मला पचौड़ी का फ़ोन लग रहा है, और रजिस्टर में ये वहाँ पे इंकित है निर्मला पचौड़ी को रिफ़र किया गया। आपके पेशेंट से अभी तक आपको बात कराया गया, कुछ पता चला? कुछ नहीं कराया गया है, मोबाइल भी उनको दिया गया है 13 तारीख को। आपको क्या कहा गया है अभी तक? अभी तक ये कहा गया था कि पेशेंट है, कल तक पेशेंट है, बोले रात को 10 बजे डॉक्टर हेमंत सर ने बताया कि आपके पेशेंट को 10 तारीख को रिफ़र किया गया। 9 तारीख को आपने एडमिट कराया था पेशेंट को, 15 तारीख है आज, अभी तक कुछ खबर है आपको? कोई खबर नहीं है कि पेशेंट हमारा कहाँ। अभी वहाँ पर जाने पर यही बोला कि मेकाहारा में होंगे, डॉक्टर साहब से भी बात हुई वहाँ से, अभी यहाँ पंजीयन के लिए मैं कोविड-19 में भी गई थी, वहाँ रिकॉर्ड में भी नहीं है निर्मला बरवाल, तो नाम वहाँ से गलत भेजा गया है, पेशेंट का नाम गलत भेजा गया है। तो आपका पूरा परिचय बताइए आप। मैं अंजलि बरवाल, शंकर नगर खंभाड़ी में रहती हूँ। वो मेरी भाभी है जो एडमिट है, 55 साल की है, उनको ऑक्सीजन नहीं लगा था, वीकनेस था, वीकनेस होने के कारण उनको बोला गया, डॉक्टर देखे भी चेक किए तो हो सकता है टाइफाइड है ऐसा बोला गया, और उसके बाद वो हमको ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दिए कि आपके पेशेंट को रिफ़र कर रहे हैं, और ना ही अभी तक हमको कोई जानकारी मिल पा रही है कि हमारा पेशेंट कहाँ। कौन से सेंटर में एडमिट किए थे? कुंडहर।